goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं राजनीति। बिहार में अब तक 1475 वार्डों में नल जल योजना में गड़बड़ियां सामने आई हैं। पंचायती राज विभाग ने इन सभी वार्डों के मुखिया और संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। ऐसे सभी लोगों पर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि संबंधित DM, DPRO और BDO को निर्देश दिया गया है कि ऐसे किसी भी पंचायत में शिकायत आने पर वहां के संबंधित मुखिया और वार्ड सदस्य को सबसे पहले नोटिस भेजा जाए। अगर 15 दिनों के अंदर इस स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर पंचायती राज विभाग ने सभी मुखिया को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का निर्देश भी दिया था। और अगर कोई मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर नहीं देते हैं या नहीं जमा करते हैं तो उन पर कार्रवाई तय है। दरअसल बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग नल जल योजना में घपले घोटाले और गड़बड़ी को लेकर काफ़ी सख्त है। विभाग ने ऐसे किसी भी गड़बड़ी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। प्रमंडलीय आयुक्त और राज्य सरकार द्वारा अपने पद से हटा दिए गए मुखिया और उप मुखिया अगर इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन पत्र मंजूर नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर एक गाइडलाइन पहले ही जारी कर चुका है। ऐसे किसी भी मुखिया एवं उप मुखिया को शक्तियों के दुरुपयोग, दुराचार और दोषी पाए जाने के आरोप में हटाया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा उस आदेश को स्थगित या रद्द नहीं किया गया है तो इस तरह के मुखिया या उप मुखिया 5 साल तक चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसे मुखिया पर निगरानी रखने का भी प्रमंडलीय आयुक्त और जिले के DM को निर्देश भी दिया है। नमस्कार, पंचायत से जुड़ी हुई ऐसी अपडेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।